नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। ये हमारे वी लुकअप और एक्स लुकअप की कंपेयरिंग वीडियो सीरीज है, जहां पे हम वी लुकअप और एक्स लुकअप को आपस में कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपको इस वीडियो की पूरी सीक्वेंस सीरीज चाहिए तो प्लीज मेरे ऐप को डाउनलोड करें। मेरा मोबाइल ऐप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जहां पे सारे वीडियोज और सारे के सारे सैंपल और प्रैक्टिस फाइल सीक्वेंस में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. तो वी लुकअप और एक्स लुकअप की कंपेयरिंग वीडियो सीरीज की हमारी 11वीं वीडियोज है, जहां पे हम एक बहुत ही अच्छी चीज डिस्कस करने वाले। देखिए, यहाँ पे सिल्क है और मैं चाहता हूं यहाँ पे सिल्क के सारे डेटा आ जाए। तो जनरली इसके लिए हम फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वी लुकअप से पॉसिबल नहीं है। वी लुकअप के लिए हमें वी लुकअप लिस्टिंग जैसे मेथड इस्तेमाल करने होंगे, जो कि हमने इसे पिछले वीडियो सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिल्टर में हमने पूरा का पूरा डेटा दिया, हमने कॉमा सेलेक्ट किया, इंक्लूड में हमने सिल्क को लिया और इक्वल टू हमने यहाँ पे सिल्क करके एंटर प्रेस किया, तो पूरी की पूरी आप देख सकते हैं डेटा आ गया। क्या ये एक्स लुकअप से पॉसिबल है? तो चलिए हम इस एक्स लुकअप वाले मेथड को भी अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में मुझे वन को ढूंढना है और इसपे हमने क्या किया है, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हमने सिंपली क्या किया कि सेलेक्ट किया सिल्क को, कि सिल्क बी टू से लेके ए टू अगर इक्वल टू है हमारा इस सिल्क, ऐसा है तो पूरा का पूरा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया जिसको लुकअप करना है, और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे एन आया, एक संभावित एरिया को सिलेक्ट करना है एफ टू प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट एन, बट सब में एन नहीं आया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि फिर यहां मुझे वन नहीं, यहां पे ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, डेटा आ गया। बट आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां इसने पहले ही रिकॉर्ड को दिया, बाकी रिकॉर्ड को नहीं दिया। जी हाँ, बाकी रिकॉर्ड को नहीं दिया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है तो एक्स लुकअप हमेशा एक ही रिकॉर्ड को, एक ही को देगा, मल्टीपल्स को नहीं देगा। मतलब एक ही रो का डेटा देता है, मल्टीपल्स को नहीं देता है। अब यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया, बट मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन हुआ तो, मल्टीपल कंडीशन हुआ तो, जैसे मैं सिल्क के साथ मैं टाइप को भी मैच करना चाहता हूँ, कि सिल्क का जो टाइप या फिर क्वालिटी को मैच करना चाहता हूँ, कि मुझे सारे ए वन वाले चाहिए सिल्क के। तो हम यहाँ फिल्टर में क्या करते हैं, फिल्टर में हम पहले तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी कंडीशन, जो कि हमारा क्वालिटी है, दैट इज इक्वल टू ए वन। बट इसको भी ब्रैकेट में रखना होगा, इसका ध्यान आप रखिएगा। और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए सिर्फ ए वन वाला है, लेकिन अगर इसमें मल्टीपल कंडीशन लगाना हो तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए मुझे इसको भी ब्रैकेट में रखना होगा और यहाँ पे मुझे करना होगा मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट, और दूसरा कंडीशन जो क्वालिटी लेवल है उसको सिलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू ए वन। अब यहां पे एंटर मारते हैं, एंटर तो नहीं क्योंकि एरे है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना पड़ेगा। इनने क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ट्रू है। अब ट्रू एंड ट्रू मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वन देगा, तो मुझे यहाँ पे वन सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? वन सिलेक्ट। अब करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आपका वर्क कर जाएगा। तो ये थी हमारी एक्स लुकअप की सीरीज। अब इसकी प्रैक्टिस ही डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे बातचीत करनी हो, तो 8802579388 स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉल कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन डाउट्स पूछने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। Recording stopped. और आप भी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।